HWSK टीम फॉर ऑनरिंग मी. मुझे तो इन्होंने बहुत बड़ा रुतबा दे दिया और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी दे दी कि आगे भी इनके साथ निभाना है इंशाल्लाह. और अगर हमने उनको टाइमली मैनेज नहीं किया होता तो फिर जाहिरी बात है उनकी जिंदगी नहीं बच सकती. हीमोफीलिया सोसाइटी या फेडरेशन जो है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाहिद पेशेंट बेस्ड सोसाइटी है. अब ये जो हीमोफीलिया है लाइक यू ऑल नो वी सी छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र के लोगों तक तो पूरी स्पैन करता है सारी हमारी वेरियस स्टेजेस इन लाइफ. And I'll be leaving hemophilia care in very, very good hands. So that is peace for me. अब ज्यादा हो गए हैं लो डोज प्रोफाइलेक्सिस पे प्राइवेटली पेशेंट्स जा रहे हैं दोज हु कैन अफोर्ड. कि हम जब भी कोई भी ब्लड डिसऑर्डर देखते हैं तो हमें उसका ओरल हाइजीन जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि वेदर यानी वो सिम्टोमेटिक है और या नहीं है. ये हेमोफिलिया की वजह से मुझे भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में कि इसकी वजह से जो है डिसेबिलिटी भी होती है. बेसिकली जो दो तीन एस्पेक्ट्स हैं जो जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड है. डॉक्टर मुनीरा ने इसके बारे में थोड़ा सा टच अपॉन किया था. बहुत बड़ा काम कर रहे हैं राइल को तो मैं इस पर अप्रिशिएट करूंगा. आपने बहुत बड़ा काम शुरू किया है और पीएमए आपके साथ होगी हर कदम पे. फॉर सम ऑफ द पीपल आउट देयर जो मुझे नजर आ रहा है जिनको शायद हीमोफीलिया का इतना पता नहीं है सो उनके लिए हीमोफीलिया इज बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड ऑफ द पेशेंट डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली. पूरी सोसाइटी और जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था एनआईबीडी में भी तो उस वक्त हीमोफीलिया के तमाम चैप्टर्स डॉक्टर शहला यहाँ बैठी हैं डॉक्टर ताहिरा हैं तो इन सब ने बड़ा हेल्प आउट करके इस डेटा को स्ट्रेंथन किया था. लेकिन दोज गाइडलाइंस हु आर दीज गाइडलाइंस फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हीमेटोलॉजिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर चाहे वो नर्स हो. ये गाइडलाइन को आप सेट कर लेंगे यहाँ पे बैठ करके क्योंकि यहाँ पे सारे सीनियर्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान से लोग मौजूद हैं. ये दोनों चीजें बहुत लॉन्ग टर्म है लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वी आर रेडी टू कोऑपरेट वी आर रेडी टू को क्रिएट इन एवरी रिगार्ड्स. और कंपनी से भी जो सपोर्ट लेके दे सकेंगे खासतौर पर हीमोफीलिया सोसाइटी के लिए वो हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे.